जी मुझे बहुत खुशी है। क्या कारण रहा कांग्रेस की गिनती? देखिए मैं तो 13 में ईमानदारी से विचार कर चुका था चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा मुझे ये बोला गया कि आप सक्रिय रहें बमोरी में और घर नहीं बैठे आप। तो मैं 13 से 18 तक लगातार चुनाव में सक्रिय रहा, और अभी जैसा मैंने बताया कि माननीय सबसे बड़ा मेरा उदाहरण ये दे रहा हूँ मैं आपको कि अमित शाह जी का 9 अक्टूबर 2013 को गुड़गांव का दौरा था, रोड शो था उनका, हर कार्यकर्ता को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन मुझे भी जिम्मेदारी दी गई थी। मैंने 8 से 10 हज़ार आदमी का बोला था। जब अमित शाह जी के रोड शो का टाइम होके 1 बजने का टाइम हो गया था, उस समय चौराहे पे 500 आदमी इकट्ठे नहीं हो पाए थे, 500 आदमी। फिर जब मैं अपनी 10 हज़ार की संख्या लेकर आया, तब माननीय BD शर्मा जी जो आज BJP के प्रदेश अध्यक्ष है, वो बोले कि अग्रवाल साहब आपने आज हमारी इज्जत रख ली, और मुझे मंच पर बुलाया। बहुत संख्या नहीं आती तो ये अमित शाह जी का दौरा, और उसके 20 दिन बाद आप मेरा टिकट काट रहे हो। आप ये तो विचार करते कि जनता किसके साथ है, जनता किसके साथ है। आप जन भावना की अवहेलना कर रहे हैं। फिर मेरे कार्यकर्ता करीब 4-5 हज़ार की संख्या में मेरे कार्यालय में एकत्रित हुए, सबने तय किया कि हमको चुनाव लड़ना है, निर्दलीय लड़ना है, परिणाम चाहे जो कुछ भी हो। और जब मैं फॉर्म भरने गया था 6 नवंबर को, छोटी दिवाली का दिन था, करीब 8 हज़ार लोग मेरे साथ थे, 8 हज़ार लोग, इसकी वीडियो भी है मेरे पास। अच्छा, 8 हज़ार लोग मेरे साथ। एक तो कमलनाथ जी ने जिस तरीके से काम किए 15 महीने के अंदर, मैंने देखा कि उनकी एक बहुत कोई ज़्यादा उतावलापन नहीं, फालतू भाषणबाजी नहीं, फालतू दिखावा नहीं, केवल काम 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 हर तरीके से। उनने किसानों के कल्याण के लिए ये बहुत वादा करते हैं, उनने बिजली के बिल आधा कर दिया। आपको मालूम है हर किसान का बिजली का बिल आधा होने से हर किसान का 8-10 हज़ार का लाभ हो गया। आज आपने डीजल 81 रुपया कर दिया, वो कब, जब किसान के बोनी का टाइम है, तो एक एक किसान पर 10-10 हज़ार का बटन डाल दिया केंद्र सरकार ने। और आप बोलते हो कि हम 6 हज़ार रुपया साल दे रहे हैं किसानों को, 10 हज़ार की जेब काट रहा है और 6 हज़ार दे रहा हो। तो ये सब कारण बनते चले गए, मैं भाजपा में था ही नहीं, तो मुझे कमल कहीं ना कहीं जुड़ना था। कमलनाथ जी मुझे ठीक लगे कि पार्टी काम भी अच्छा कर रही है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास करेगा। और मुझे आज भी भरोसा है, आज भी भरोसा है कि आने वाले चुनाव जब भी होंगे उसके बाद इस प्रदेश में दोबारा माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनना निश्चित है। अच्छा, कांग्रेस से टिकट मिलने का कुछ आश्वासन मिला आपको? जी नहीं, ये इस बात पर मैंने कोई तय नहीं किया। कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं देगी तो कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जिसको भी देगी, मैं तन मन धन से उसके साथ रहूंगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।